प्यारे बच्चों, ये कहानी है गुजरे हुए ज़माने की। एक दफ़ा एक भूखा कौवा इधर उधर उड़ता फिर रहा था। वो शिकार की तलाश में था। इसी तरह दोपहर हो गई मगर इसको खाने को कुछ नहीं मिला। आखिर थक हार कर वो दरख्त की एक शाख पर बैठ गया। कौवे के पास ही एक गडरिया अपनी भेड़ों को चरवा रहा था। अचानक इसने देखा कि एक बाज उड़ता हुआ आया और जंगल में चरते हुए भेड़ों के गले में से एक छोटे से भेड़ के बच्चे को अपने मजबूत पंजों में लेकर उड़ गया। गले की तमाम भेड़ें डर गई। गडरिया भी डंडा लेकर भागा मगर बाज देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो चुका था। कौवे का भूख की वजह से बुरा हाल हो रहा था। इसने बाज को इस तरह शिकार करते देखा तो दिल में सोचने लगा कि मैं भी बाज की तरह एक भेड़ अपने पंजों में उठा लेता हूँ और फिर मज़े से ताज़ा और लजीज गोश्त खाऊंगा। ये सोचकर कौवे ने गले की सबसे बड़ी और मोटी भेड़ को चुना और अपनी जगह से उड़कर भेड़ के गले पर हमला किया। इसने जल्दी से भेड़ की पीठ में अपने पंजे गाड़ दिए और इसको लेकर उड़ने के लिए जोर लगाने लगा, मगर भेड़ वजनी होने की वजह से अपनी जगह से भी नहीं हिली। भेड़ों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भेड़ों का शोर सुनकर गडरिया फिर भागा हुआ डंडा लेकर आया। कौवे ने गडरिया को डंडा लेकर अपनी तरफ आते देखा तो इसके होश उड़ गए। अब इसने भेड़ को छोड़कर उड़ना चाहा मगर इसके पंजे भेड़ के बालों में बुरी तरह उलझ गए थे कि वो उड़ ना सका। इसने बहुत जोर लगाया मगर बेसुर, अब तो इसकी जान पर बन गई। गडरिया ने पास आकर कौवे के सर पर डंडे से एक वार किया जिसकी वजह से कौवा वहीं मर गया। अफसोस, कौवा बाज की नकल में अपनी जान से गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी ताकत के हिसाब से काम करना चाहिए और किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, गुजरे वक्तों की बात है। एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे। गायें और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर ज़मींदार इधर उधर सैर को निकल जाता। ज़मींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जता रहता। शाम को जब वो घर आता तो इसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब सब्ज घास खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक़्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा ये सुनकर चुप रहा। वो दोनों इकट्ठे रहते थे। जब दोनों को वक़्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर ले। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई क्या बात है, आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई क्या बात करो, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई सच जानो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कोई मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो दो चार दिन ही आराम कर लूँ। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है,
इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज़ के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊँ? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना, वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर इसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज ना उठना, बार बार गिर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डालेगा, तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूंघना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या ना करने का इख्तियार है। चारे भूसे का वक़्त आ गया था। नौकर ने गधे और बैल के आगे चारा रखा। बैल 2-1 मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात बैल को क्या हुआ है, ना खाता है ना पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, अब मैं क्या करूं? जमींदार हल वाले से बोला, ऐसा करो, तुम गधे को ले जाओ, हल में काम लगा कर काम निकाल लो जब तक के बैल ठीक नहीं हो जाता। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर खड़े खड़े घास खाया करता था, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपनी थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, बैल भैया, तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था, खुदा तुमको खुश रखे। गधा ये सुनकर कुछ ना बोला, वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की है कि अपने आप को ही मुसीबत में फंसा दिया है, इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाही, लेकिन गधा कहने लगा, मियाँ, इन बातों को तो रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई, सुनाओ तो, ऐसा क्या हो गया, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं, मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हल में जत जाओ। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया, चारे की सारी घास साफ कर दी। सुबह हुई तो हल वाला बैल की थान पर पहुंचा। बैल ने जो हल वाले को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। हल वाले ने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया तो गधे की बजाय वो बैल को ले गया। तो प्यारे बच्चों, हमें जब भी किसी को कोई मशवरा देना हो तो हमें अच्छा मशवरा देना चाहिए। गधे ने बैल को उल्टा मशवरा दिया जिसकी सज़ा उसे भी साथ में भुगतना पड़ी।